यहाँ पर जितने भी करेक्टर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सभी करेक्टर आप लोगों को मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री में। इन करेक्टर का यूज करके कैसे आप लोग कार्टून वीडियो बना सकते हैं, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं देने वाला हूँ मोटू पतलू का करेक्टर, आप लोग कैसे डाउनलोड करके उसे कैसे यूज करना है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं मोटू पतलू का करेक्टर देने वाला हूँ। इन करेक्टर का यूज करके कैसे आप लोग कार्टून वीडियो बना सकते हैं, अभी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे यहाँ से आप लोगों को लेफ्ट स्टार का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप लोगों को लेट्स स्टार्ट कर लेना है, यानी कि इसे स्टार्ट कर लेना है। जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ से आप लोगों को एक सेटिंग करना पड़ता है। यहाँ से जो टाइप टू लिखा है और टाइप, यहाँ से क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से टाइप टू लिखा है और यहाँ से टाइप वन लिखा है। यहाँ से क्लिक करके आप लोग, अगर आप लोगों का 4 GB रैम है या 4 GB से ऊपर है या 4 GB से कम है, तो आप लोग यहाँ से, आप लोग जैसे कि 4 GB से कम है या 4 GB का रैम है, तो आप लोग यहाँ से जो टाइप वन लिखा है इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। अगर आप लोग का 4 GB से रैम से ऊपर है, 6 GB, 8 GB या 8 GB से ऊपर है, तो आप लोग यहाँ से टाइप टू सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही ओपन कर देंगे उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से इस एप्लीकेशन का 4 करेक्टर देखने को मिलेगा। और कुछ भाई लोग ये मैसेज करके ये मेरे से पूछते हैं कि सर इसमें मैं सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ से पहले आता था शो की फ्रेम ऑप्शन, यहाँ पर आता था शो की फ्रेम ऑप्शन, वो अभी यहाँ पर नहीं आ रहा, यानी कि जो पुराना वीडियो है उसमें यहाँ पर आता था कि जो शो की फ्रेम ऑप्शन का यहाँ से ऑप्शन आता था, बट यहाँ से इसको हटा कर और अपडेट, यानी कि आप लोग जब भी जो वीडियो देखते हैं उसमें कई तरह का अपडेट आ जाता है जिसकी वजह से फ्यूचर चेंज हो जाता है, तो आप लोगों के यहाँ से जो प्लस और माइनस का जो आइकन दिख रहा है ये है शो की फ्रेम का ऑप्शन, जो कि ऑलरेडी इस पर मैं वीडियो बना दिया हूं कि कैसे आप लोग इनका मदद से आप लोग करेक्टर को यूज करके सकते हैं और कैसे चला सकते हैं। और बाकी का ऑप्शन जो यहां पर देख रहे हैं IKM, ये सारा कुछ इसी का फ्यूचर है, जो कि इनका यूज करके आप लोग किसी भी करेक्टर को चला सकते हैं या कोई भी मूवमेंट आप लोग दे सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना रखा हूँ। अब इसके अंदर आप लोग जो भी करेक्टर या कार्टून वीडियो बनाते हैं, इस तरीके से अगर आप लोगों का सेटिंग खराब हो जाता है तो सिंपली इस सेटिंग को लेकर काफी ज्यादा आप लोगों में से परेशान हो जाते हैं, तो इसको कैसे सोल्व करना चाहिए आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। सिंपली यहाँ से कोने में जो ये वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से जो भी करेक्टर का सेटिंग होगा खराब होगा इस तरीके से ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों को क्लिक करके मोटू पतलू का करेक्टर कैसे एड करना चाहिए आप लोगों को बता देता हूँ। तो सिंपली यहाँ से जो ये करेक्टर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग इस करेक्टर पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से 4 बॉक्स नजर आएगा। उसके बाद इसके अंदर आप लोगों को मैं करेक्टर देने वाला हूँ, मोटू का देने वाला हूँ, यहाँ से पतलू का देने वाला हूँ, घसीटाराम का देने वाला हूँ और डॉक्टर झटका का भी देने वाला हूँ, और साथ ही चाय वाला का भी करेक्टर आप लोगों को देने वाला हूँ और चिंगम सर का भी करेक्टर आप लोगों को देने वाला हूँ। इन सभी करेक्टर का यूज करके आप लोग काफी इजीली कार्टून वीडियो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिए आप लोगों को मैं अपने चैनल पे कमेंट के पोस्ट में जाके पोस्ट किया हूँ, वहां पर जाके देखेंगे 14 लाख व्यूज गया है, जो कि 2 से 3 दिन में, जैसे कि मैं कुछ दिन पहले उसको पोस्ट किया था। अगर उस तरीके से आप लोग भी वीडियो बनाएंगे मोटू पतलू के ऊपर, अगर आप लोग कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे 10 से 12 वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग कोई ना कोई एक वीडियो वायरल होगा और उससे आप लोग काफी जल्दी अपना YouTube चैनल को बूस्ट देके अपने चैनल को चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग कस्टम करेक्टर ऐड करने के लिए आप लोगों को ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करके नीचे के साइड जाएंगे तो यहाँ से इंपोर्ट कस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप लोग कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पर जो ये फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन दिख रहा है इस बॉक्स में अगर आप लोग टिक लगाएंगे तभी आप लोगों का करेक्टर ऐड होगा। इस बॉक्स में इस तरीके से टिक लगाने के बाद सिंपली लोड पे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों का गैलरी ओपन हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ से लोड पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद इस तरीके से जैसे लोड पे क्लिक करेंगे यहाँ से गैलरी ओपन होगा। गैलरी में सिंपली क्लिक करके रखेंगे आप लोग, जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग जो मेरा करेक्टर दिया हुआ डाउनलोड करके रखेंगे अपने फाइल में, वो काफी इजी गैलरी के अंदर से दिखने लगता है। सिंपली गैलरी के अंदर से जाके उस पर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों का करेक्टर ऐड हो जाएगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल लिए आप लोगों को मैं ऐड करके बता देता हूं, उसी तरीके से आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा। देख सकते हैं जो कि गाइस यहां से मैं यहां से डॉक्टर झटका का यहां से करेक्टर को ऐड कर लिया हूं। इसी तरीके से आप लोगों को इन चारों बॉक्स में जाके इसी तरीके से नीचे के साइड जाएंगे, यहां आप लोगों को इंपोर्ट कस्टम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप लोग यहां से फ्रॉम ड्राइव का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना होगा। इस बॉक्स पे जैसे ही टिक लगाएंगे तो आप लोगों का यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से लोड पे क्लिक करके यानी इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लोड पे क्लिक करके अपने गैलरी में फिर से जाके आप लोग अपना करेक्टर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैं जाता हूँ यहाँ से फटाफट सभी को इसी तरीके से जाकर यहाँ से इंपोर्ट कस्टम में यहाँ से फाइल लगा के और इसी तरीके से सभी बॉक्स में यहाँ से करेक्टर को ऐड कर लेता हूँ, तो आप लोग भी इसी तरीके से ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर आप लोगों को और भी क्या चीज करना है वो भी आप लोग इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। पर देख सकते हैं जो कि यहाँ से 4 करेक्टर मेरा ऐड हो गया, उसके बाद यहाँ से ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा करेक्टर आप लोग इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को कैसे एनिमेशन करना है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, तो आप लोग जाकर वो काफी इजिली देख कर वीडियो आप लोग एनिमेशन क्रिएट करना सीख सकते हैं। अब यह करेक्टर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जो की आप लोगों को इसका डाउनलोडिंग लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली वहां से क्लिक करके इन करेक्टर को आप लोग जाके डाउनलोड करके और मेरे वीडियो को देखकर आप लोग काफी इजिली कार्टून वीडियो बनाना सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में और नॉन कॉपी राइट, कोई
कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। काफी इजीली बिल्कुल फ्री में आप लोग मोटू पतलू वाला कार्टून भी बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके अपने चैनल को काफी जल्दी बूस्ट कर सकते हैं। तो जाइए फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से क्लिक करके जाके डाउनलोड कर लीजिए।